इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ, देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता, पर मेरी कहानी किसी भारतीय विधवा से कम करुण नहीं है। यद्यपि मैं विधुर नहीं हूँ, मेरी आयु लगभग 45 साल है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा था। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो कितना अच्छा होता। यह तो ना था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे लिए बीमार पड़ने पर यूडिकोलोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीवी उड़ेल कर मलती, और सबसे बड़ी इच्छा तो ये थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता है तब मुझे बड़ा मजा आता है, और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता हूं, जब दर्शक लोग उठकर जाना चाहते हैं पर संकोच के मारे जल्दी उठते नहीं हैं। यदि उनके मन की तस्वीर कोई चित्रकार खींच दे तो मनोविज्ञान के खोजियों के लिए एक अनोखी वस्तु मिल जाए। हाँ, तो एक दिन हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा लिया था इसलिए भूख नहीं थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा, मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण ही सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, संभव है कि मेरे आने में देर हो जाएगी। मैंने फिर इनकार कर दिया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूरियां थी और वही रोज वाला आध पाव मलाई। मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है, रस तो होगा ही, कल संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली, नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की, दोबारा दवा पी, तिबारा दवा पी, पिलवा पिलवा पुनः पिलवा की सतर्कता उसी समय मुझे मालूम हुई। प्रातः काल होते होते शीशी समाप्त हो गई, दर्द में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। राय बहादुर डॉक्टर विनोद बिहारी मुखर्जी यहाँ के बड़े नामी डॉक्टर हैं। पहले जब प्रैक्टिस नहीं चलती थी तब आप लोगों के यहाँ मुफ्त में जाते थे, वहाँ से पता चला कि डॉक्टर साहब 9 बजे ऊपर से उतरते हैं, इसके पहले वे कहीं जा नहीं सकते, लाचार दूसरे के पास आदमी भेजना पड़ा। दूसरे डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के सब असिस्टेंट थे, वे एक इक्के पर तशरीफ लाए। सूट तो वे ऐसा ही पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेटो में हैं। ऐसे सूट वाले एक इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल आना। मैं अपना पूरा हाल भी ना कह पाया था कि आप बोले, जबान दिखाइए, प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता होगा। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो गया है। मैं तो दर्द से बेचैन था, डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती, खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिए, वहाँ दवाइयाँ ताज़ा मिलती हैं, बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी गई, गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हो गया, सेकते सेकते छाले पड़ गए पर दर्द में कमी ना हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द में किसी तरह की कमी ना हुई, हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोग देखने के लिए आने लगे, मेरे घर पर मेला लगने लगा, ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखें। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक ना एक नुस्खा अपने साथ लेकर आता। किसी ने कहा, अजी कुछ हींग पिला दो, किसी ने कहा चूना खिला दो, खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी न रह गई थी जिसे लोग ने ना बताई हो। यदि भारतीय सरकार को मालूम हो जाए कि देश में इतने डॉक्टर हैं तो निश्चय ही सारे मेडिकल कॉलेज तोड़ दिए जाएंगे, इतने खर्चे की आखिर आवश्यकता क्या है।
कुछ समझदार लोग भी आते थे जो इस बात की बहस छेड़ देते थे असहयोग आंदोलन सफल होगा या नहीं, ब्रिटिश नीति में कितनी सच्चाई है, विश्व आर्थिक सम्मेलन में अमेरिका का भाषण बहुत स्वार्थपूर्ण हुआ इत्यादि। मैं इस समय केवल स्मरण शक्ति से काम ले रहा हूँ। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी ना हुई, कभी कम हो जाता था, बीच बीच में जोरों का हमला भी होता था, मानो चीन जापान का युद्ध हो रहा हो। 3रे दिन तो ये मालूम होता था कि मेरे घर क्लब बन गया है, लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती थी पंडित बनारसी दास के इस बार किसको पछाड़ा, प्रसाद जी का अमुक नाटक स्टेज की दृष्टि से कैसा है। हिंदी के दैनिक पत्रों में बड़ी अशुद्धियां रहती हैं। अब देश में अनार्किस्ट नहीं रहे हैं, लॉर्ड विलिंगडन और महात्मा गांधी से लेकर रामजियावन लाल पटवारी तक की आलोचना यहाँ बैठकर लोग करते रहते थे, और यहाँ दर्द की वो दर्दनाक हालत थी कि क्या लिखूं, मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चप्पल अलग, भला दर्द में क्या कमी हो। बीच बीच में लोग दवा की सलाह और डॉक्टर बदलने की सलाह और कौन डॉक्टर किस तरह का है यह भी बतला जाते थे। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहा नाथ को बुलाने की सबकी सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, डॉक्टर साहब के माँ बाप का दोष है। अगर मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता, परंतु ये यथा नाम तथा गुण था। आपकी फीस 8 रुपये थी और मोटर का 1 रुपया अलग से। आप लंदन के FRCS थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। एक पुर्जे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपये की दवा आई। डॉक्टर साहब ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वो सुई कोंच कर दवा डाल दी। यह कह देना आसान है कि मेरा कलेजा निगाहों के नीचे से घुस जाने से रेजा रेजा हो गया है, अथवा उनका दिल बरूनी की बर्छियों के हमले से टुकड़े टुकड़े हो गया है। प्रेमिकाएं भूल जाएं। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। इसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और 2रे दिन प्रातः पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वास्थ्य होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहा नाथ की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो वो भी तिल मिलाकर उठ बैठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया, उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बोले, यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। यह दर्द मामूली नहीं था, असल में आपको सीलियोसाइट्रिक कोलाइटिस हो गया था और उससे डेवलप करके पेरिकॉर्डियल हाइड्रोट्यूलिक स्टम कॉलिस हो जाता, फिर ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते थे। मालूम होता है कि आपकी श्रीमती बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे की देरी और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों आप दवा कीजिए। डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होगा। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर चूहा नाथ को ही मालूम है। खैर, दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ था, फिर से दर्द की फौज ने मुझ पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी तड़पती हुई आंखों के सामने नाचने लग गया था। मैं सोचने लगा कि ये हमला किसी उन्हीं में से किसी एक मर्ज का तो नहीं है। तुरंत ही डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया, इंजेक्शन का सामान लेकर आए। वहाँ के आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौटकर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन अगर सरस्वती शॉर्ट हैंड में लिखे तो संभवतः समाप्त ना हो। एरोप्लेन के पंखे की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। उधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए। मालूम नहीं लोगों में क्या बहस हुई, कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन से पास। जहां मैं पड़ा कराह रहा था उसी के बगल में लोग बहस कर रहे थे।
कभी कभी किसी किसी की चिल्लाहट सुनाई दे जाती थी। बीमार मैं था, अच्छा बुरा होना मुझे था, फीस मुझे देनी थी, परंतु लड़ और लोग रहे थे। मालूम होता था कि उन्हीं लोगों में से किसी की जमींदारी कोई जबरदस्ती छीनने जा रहा है। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड प्रमेय गंज पंचानन कविराज पंडित सुखड़ी शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। आधा घंटा तो बहस में बीत गया, खैर किसी तरह से कुछ तय हुआ। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए, परंतु वहां से वैद्य जी न आए और ना ही सज्जन का पता चला। एक और दर्द इनकम टैक्स की तरह बढ़ता चला आ रहा था, दूसरी ओर इन लोगों का पता नहीं था और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंत में जो साहब गए थे वे लौटे। वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुद्धू क्रांति वृत्त में शनि की स्थिति है, 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और डेढ़ घड़ी एकादशी का योग है, उसके सप्तम होने पर मैं चलूंगा, आप आधे घंटे में आइएगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह आए थे अतः बुलाना ही आवश्यक था। मैंने फिर उन्हें भेजा। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए, आकर वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अलावा शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी गई, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर अंत्र में जा पहुंची है, इससे मंदाभि का प्रादुर्भाव होता है। इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है, संभव है मूत्राशय में अश्मन भी एकत्र हो। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से एक दूसरे ही संसार में जा रही थी। आखिर मुझसे ना रहा गया, मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष्ठ तो ले आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूँ कि मुझे रोग क्या है। पंडित जी कहने लगे, बाबू साहब देखिए, आजकल के नवीन डॉक्टरों के रोगों का निदान तो ठीक मालूम नहीं, चिकित्सा क्या करेंगे। अंग्रेजी पढ़े लिखों का वैदिक शास्त्र पर से विश्वास उठ गया है, परंतु हमारे यहाँ ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं कि एक बार मृत्यु लोक से भी लौटा लें, मुहूर्त मिल जाना चाहिए और अच्छा वैद्य मिल जाना। उन्होंने कहा, मैं दवा देता हूँ और आपको लाभ भी होगा, परंतु इसके पश्चात आपको परपर्टी का सेवन करना होगा, क्योंकि आपका शुक्र मंद पड़ा है। गोमूत्र में आप परपर्टी का सेवन कीजिए, फिर देखिए दर्द पारद के समान उड़ जाएगा और गंधक के समान भस्म हो जाएगा। मैंने कहा, शुक्र अस्त नहीं हो गया, यही क्या कम है। पंडित जी, गोमूत्र पिलाइए और गोबर भी खिलाइए, शायद आप लोगों के शास्त्र में और कोई भोजन रह ही नहीं गया है, इसी कारण से आप लोगों में दिमाग की बनावट भी विचित्र है। खैर, पंडित जी ने दवा दी, कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी तरह से वैद्य जी से पिंड छुटा। 2 दिन दवा हो गई, कभी कभी तो कम अवश्य हो जाता था पर पूरा दर्द नहीं जाता था, CID के समान पीछा छोड़ता ही ना था। वैद्य जी के यहाँ जब आदमी जाता तब कभी रविवार के कारण, कभी प्रदोष के कारण और शायद त्रिदोष के कारण ठीक समय से दवा ही नहीं देते थे। अब वैसी बेचैनी नहीं रह गई थी पर बलहीन होता गया। खाना पीना भी ठीक मिलता नहीं था, चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन में मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग ज्यादा चाटती थी। कभी कभी दूर दूर से रिश्तेदार भी आते थे और सब लोग डॉक्टरों को गाली देकर और मुझे बिना मांगी सलाह लेकर चले जाते थे। मैं चारपाई पर लेटा था। आखिर मेरा विचार हुआ कि फिर डॉक्टर साहब की याद की जाए। जिस समय मैं यह जिक्र कर रहा था कि एक कांग्रेसमैन बैठे हुए थे, यह सज्जन अभी जेल से लौटे थे, मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए, ये डॉक्टर सिवा विलायती दवाओं के ठेकेदार के और कुछ नहीं होते, इनके कारण ही विलायती दवाएं आती हैं। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखाइए। ऐसी खोपड़ी वालों से मैं क्या बहस करता। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने देख ही लिया है, कुछ और रुपयों का ग्रह आया होगा, हकीम भी सही। हकीम आलवे बुखारा साहब के यहाँ आदमी भेजा गया, आप फौरन तशरीफ लाए।
इस जमाने में भी जब तेज से तेज सवारियों का प्रबंध सभी जगह मौजूद है, आप पालकी में चलते हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि पालकी रख दी जाती है अथवा कहार कंधे पर ले आते हैं और हकीम साहब उसमें टहला करते हैं। मेरा मतलब ये है कि जब किसी के यहाँ आप बुलाए जाते हैं तब पालकी के भीतर बैठकर आप आते हैं। हकीम साहब आए, यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र ना करता मुझसे ना हो सकेगा। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में यूं भी तेज सर्दी नहीं पड़ती है, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था, परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार अंगा पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया, अथवा यह भी हो सकता था कि ढीली मुहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो और दर्जी ने कुछ कतर ब्योत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कमदार दिल्ली वाला, रुमाल इतना बड़ा था कि अगर उसमें कसीदा न कड़ा होता तो मैं समझता कि वो रुमाल मुंह अथवा हाथ पोछने के लिए नहीं बल्कि तरकारी बांधने के लिए है। हकीम साहब ने दाढ़ी के बाल ठुड्डी की नोक पीकर इकट्ठे हो गए थे, मालूम होता कि हजामत बनाने की मनाही है। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांटती है। हकीम साहब में नजाकत भी बला की थी, रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के। आते ही मैंने सलाम किया, जिनका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज में दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार था, बस अब ये जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बातें करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं, भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए। खुदाबंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर होगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस में ही नहीं हिंदुस्तान के लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी है। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं ये नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर सफा होगा। मैंने बगौर देख लिया, लेकिन आपका मैदा साफ नहीं है और सारे फसाद की बुनियाद यही है। मैंने कहा, तो बुनियाद उखाड़ दीजिए, किस दिन के लिए छोड़ रहे हैं? हकीम आलू बुखारा साहब बोले, तो आप मुसहिल ले लीजिए, 5 रोज तक मुंजिच पीना होगा और इसके बाद मुसहिल, इसके बाद मैं एक माजून लिख दूंगा जिसमें जोफ दिल, जोफ दिमाग, जोफ जिगर, जोफ मैदा, जोफ चश्म, हर एक से रियायत होगी। मुझसे ना रहा गया, मैं बोला, कई जोफ आप छोड़ गए, इसे कौन अच्छा करेगा? हकीम साहब ने कहा, जब तक मैं हूँ आप फिक्र ना कीजिए। एक सज्जन ने उनके हाथ में फीस रखी, हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठे, उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताज़ा दवाइयाँ रहती हैं, मैंने उनकी दवा उस दिन पी। वह कटोरा भर दवा जिसकी महक राम घाट के शिविर के कंपटीशन के लिए तैयार थी, किसी प्रकार गले के नीचे उतार गया, जैसे अल्हार लोग अंग्रेजों की डांट निकल जाते हैं। दूसरे दिन मुंजिज आरंभ हुआ, उसका पीना और भी आफत था, मालूम पड़ता था भरतपुर के किले का मोर्चा लेना है। मेरी इच्छा हुई कि उठाकर गिलास फेंक दूं, पर घर वाले जेल के पहरुओं की भांति सिर पर सवार थे। चौथे दिन मुसहिल की बारी आई, एक बड़े से मिट्टी के बंधने में दवा मुझे पीने को दी गई, शायद 2 शेर के लगभग रही होगी, एक घूंट गले के नीचे उतरा होगा कि जानबूझकर मैंने करवा गिरा दिया। बंधना गिरते ही असफल प्रेमी के हृदय की भांति चूर चूर हो गया और दवा होली के रंग के समान सबकी धोतियों पर जा पड़ी। उस दिन के बाद से हकीम साहब की दवा मुझे पिलाने का फिर किसी को साहस न हुआ। खेत इतना ही रह गया कि उसी के साथ हकीम साहब वाला माजून भी जाता रहा। दर्द फिर कम हो चला, पर दुर्बलता बढ़ती गई थी। कभी कभी दर्द का दौरा अधिक वेग से हो जाता था, पर लोगों को विशेष चिंता मेरे संबंध में नहीं रहती थी। कहने का मतलब ये है कि लोग देखने सुनने कम आते थे, वही घनिष्ठ मित्र आते थे। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम देता था, किसी किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए,
एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कर दीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। बोले, साहब इन नन्नी नन्नी गोलियों से मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब जादू का काम करती हैं जादू का। एक नेचर क्योर वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लपेटकर धूप में बैठिए, एक हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए, उन्होंने कहा, देखिए साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो भला आपको कैसे यहाँ बुलाता। डॉक्टर महोदय ने कहा, दवा तो नेचर की सहायता करने के लिए होती है, आप कुछ दिनों तक अपना डाइट बदल दीजिए। मैंने इसी डाइट पर कितने ही रोगियों को अच्छा किया है, मगर हम लोगों की सुनता कौन है। असल में आप में विटामिन एफ की कमी है। आप नींबू, नारंगी, टमाटो, प्याज, धनिया के रस का सलाद भिगोकर खाया कीजिए, हरी भरी पत्तियां खाया कीजिए। मैंने पूछा, पत्तियां खाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा? अगर इसके बजाय घास बतला दें तो अच्छा हो, जमीन पर ही मिल जाएगी। इसी प्रकार जो आता इतनी हमदर्दी दिखलाता कि एक डॉक्टर, हकीम या वैद्य के साथ ले ही आता था। खाने के लिए साबूदाना ही मेरे लिए सब नियामत था, ठंडा पानी मिल जाता था, यह सब परमात्मा की दया थी। 3 बजे एक पंडित जी महाराज आकर एक पोथी में से बड़बड़ पाठ किया करते थे और मेरा मगज खाते थे। शाम को एक पंडित और आकर मेरे हाथ में कुछ धूल रख जाते और कहते, महामृत्युंजय का प्रसाद है। इसी बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कोई ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? नानी जी बोली, बेटा सब कुछ किताब में ही थोड़े लिखा रहता है, यह किसी चुड़ैल का फसाद है। देखो ना इसकी बरौनी कैसे खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर होगी। जब सब लोग चले गए तब मेरी स्त्री ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते, कुछ हो या ना हो इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है। कुछ खाने की दवा तो देंगे, परमात्मा की आज्ञा तो टाली जा सकती है, परंतु अपनी या मैं तो कहूंगी किसी भले आदमी की स्त्री की आज्ञा कोई भला आदमी नहीं टाल सकता। मैंने कहा, तुम लोगों को जो करना है करो, मगर मेरे पास किसी को मत बुलाना। कोई ओझा या भूत का पछड़ा मेरे पास लेकर आया तो वहीं बैठकर मरम्मत करने लगूंगा। श्रीमती जी बोली, अजी वे कोई ओझा थोड़े ही है, एमए पास है, कुछ समझा होगा तभी तो ये काम करते हैं। कितनी स्त्रियां रोज उनके पास जाती हैं, कितने पुरुष जाते हैं, बड़े वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने इसका अन्वेषण किया है। मेरे दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई, ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। अंत में मेरे साले साहब ने बड़ा जोर दिया कि यह सब झेलना इसलिए है कि तुम दवा ठीक से नहीं करते, होम्योपैथी चिकित्सा शुरू करो, सारी शिकायत गंजों के बाल की तरह गायब हो जाएगी। मैंने भी कहा, मुर्दे पर जैसे 20 मन वैसे 50, ऐसा ना हो कि कोई कह दे कि अमुक सिस्टम का इलाज छूट गया। अब राय ऐसी लगी कि किस होम्योपैथी को बुलाया जाए। हमारे मकान से कुछ दूरी पर होम्योपैथ डाकिया था, दिन भर चिट्ठी बांटता था, सवेरे और शाम 2 ऐसे पुड़िया दवा बांटता था। सैकड़ों मरीज उसके यहाँ आते थे, बड़ी प्रैक्टिस की थी। एक और होम्योपैथी थे, 4 जैसे फार्मा दिन के पुस्तकों का अनुवाद करते थे और प्रायः शाम को होम्योपैथी से 4-6 आने पैदा कर लेते थे। एक मास्टर जी थे जो कहा करते थे कि सच पूछो तो जैसी होम्योपैथी मैंने स्टडी की है किसी ने नहीं की। कुछ बहस के बाद एक डॉक्टर का बुलाना निश्चित हुआ। डॉक्टर महोदय आए, आप भी बंगाली थे, आते ही सिर से पांव तक मुझे 3-4 बार ऐसे देखा मानो हानोलुलु से पकड़कर लाया गया हूँ और खाट पर लिटा दिया गया हूँ। इसके पश्चात मेडिकल सनातन धर्म के अनुसार मेरी जीभ देखी गई। फिर पूछा गया, दर्द ऊपर से उठता है कि नीचे से, बाएं से कि दाएं से, नोचता है कि कोंचता है, चिकोड़ता है कि बकोटता है, मरोड़ता है कि खरबोड़ता है। मैंने कहा कि मैंने तो दर्द की फिल्म तो उतरवाई नहीं है, जो कुछ मालूम होता है। डॉक्टर महोदय बोले, बिना सिम्टम के देखें कैसे दवा दे सकता है, एक एक दवा का वेरियस सिस्टम होता है। फिर मालूम नहीं कितने सवाल मुझसे पूछने लगे। कुछ प्रश्न यहाँ अवश्य बतला देना चाहता हूँ। मुझसे पूछा, तुम्हारे बाप के चेहरे का रंग कैसा था, कै बरस से तुमने सपना नहीं देखा, जब चलते हो तब नाक खिलती है या फिर नहीं, किसी स्त्री के सामने खड़े होते हो तब दिल धड़कता है कि नहीं, जब सोते हो तब दोनों आंखें बंद रहती हैं कि एक,
सिर हिलाते हो तो खोपड़ी में खटखट आवाज आती है कि नहीं? मैंने कहा, आप एक शॉर्ट हैंड राइटर भी साथ लेकर चलते हैं कि नहीं? इतने प्रश्नों का उत्तर देना मेरे लिए असंभव है। फिर डॉक्टर साहब ने 2500 पुस्तकों का नाम लिया और बोले, फेरिंगटन यह कहते हैं, नैश ये कहते हैं, क्लार्क के हिसाब से ये दवा होगी। डॉक्टर साहब 15-20 पुस्तकें भी लाए थे। आधे घंटे तक उन्हें देखते रहे, तब दवा दी। आपकी दवा से कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा नहीं हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊंगा। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहां पर सभी साधन हैं। सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लिवा लाए। उन्होंने देखा और कहा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया, ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बढ़ेगी, कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी डेंटिस्ट के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको तो यह कहने में कुछ कठिनाई नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहता है। डेंटिस्ट के यहाँ से पूछवाया, उसने कहलवाया कि 3 रुपये फी दांत तोड़वाने के लगेंगे, कुल दांतों के लिए 96 रुपये लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपये छोड़ दूंगा, इसके अलावा दांत बनवाई 150 अलग से लग जाएंगे। यह सुनकर पेट में दर्द के साथ साथ सिर में भी चक्कर आने लगे, मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ सलामत है, इतना और खर्च करो। श्रीमती से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा, क्या होगा? मैंने सारा हाल कह सुनाया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है क्या? किसी कवि का तो साथ नहीं हो गया है कि ऐसी बातें सोचने लगी हैं? आज कोई कहता है दांत उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नचवा डालो, आंख निकलवा दो, यह सब फिजूल की बातें हैं। तुम सुबह टहला करो, किसी एक भले डॉक्टर की दवा करो, खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने सबका इलाज देख लिया है। मैंने कहा, तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए? कुछ दिन के बाद मैंने समझा कि स्त्रियों में भी बुद्धि होती है, विशेषतः 20 साल की आयु के बाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बेढब बनारसी द्वारा लिखी कहानी चिकित्सा का चक्कर। कहानी से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।